हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल पवन ज्ञान एकेडमी। सो दोस्तों, आज की इस वीडियो में जो बात करने जा रहे हैं, जो भी स्टूडेंट बीकॉम कर चुके हैं या कर रहे हैं, तो ये वीडियो उन सभी स्टूडेंट के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है, क्योंकि मैं आपको आज बीकॉम के साथ बेस्ट कैरियर ऑप्शन जा रहा हूँ एंड बेस्ट 10 जॉब बताने जा रहा हूँ आप बीकॉम के साथ कर सकते हैं, बीकॉम के बाद भी कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं, तो सबसे पहले आप लोगों को हमारे इस यूट्यूब चैनल पवन ज्ञान एकेडमी को सब्सक्राइब करना होगा, जिससे कि आपको आने वाली वीडियोज की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो दोस्तों, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम आज की इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, बीकॉम के साथ टॉप कैरियर ऑप्शन फॉर गर्ल्स एंड बॉयज, ये बेसिकली ये नहीं है खाली लड़कों के लिए या लड़कियों के लिए, ये दोनों के लिए, आप गर्ल्स हो या बॉय हो, दोनों ही इन जॉबों को कर सकते हैं, दोनों के लिए बेस्ट करियर ऑप्शन है। एंड 10 बेस्ट जॉब भी बताऊंगा जो आप बीकॉम के साथ कर सकें या बीकॉम कर चुके हैं या कर रहे हैं, उसके साथ साथ आप इन्हें को इन 10 जॉब को भी कर सकते हैं। दोस्तों, पहले बात करते हैं हम वो 10 जॉब कौन कौन सी हैं। तो पहली आपकी है टीचिंग, नंबर 2 पे आप बैंक, नंबर 3 है आपकी करियर एज ए लॉयर, नंबर 4th है आपकी ऑफिस सुपरिटेंडेंट, एंड 5th जॉब है आपकी डिजिटल मार्केटिंग, एंड जो 6th जॉब है आपकी वो टेलीकॉलर है, एंड 7th जो जॉब है आपकी CIB, एंड जो 8th जो आपकी जॉब है वो है इंश्योरेंस सर्विस, एंड नंबर 9 है आपकी ग्राफिक डिजाइनर, एंड नंबर 10 आपका यूट्यूब। तो दोस्तों, ये आपकी 10 बेस्ट जॉब है जो आप बीकॉम के साथ कर सकते हैं या बीकॉम के बाद भी कर सकते हैं। तो दोस्तों, पहली जॉब के बारे में बात करते हैं। तो पहली जॉब टीचिंग, दोस्तों टीचिंग के बारे में बात आता हूँ, तो आप बीकॉम के साथ किसी भी स्कूल में आप कर सकते हैं, या आपने बीकॉम कर चुके हैं तो बीकॉम के बाद आप बीएड करें या एमकॉम करें, इसके बाद आप टीचिंग में भी एकदम बढ़िया तरह से जा सकते हो। अगर टीचिंग की बात करें तो आप बीएड करके आप गवर्नमेंट टीचर भी बन सकते हो, और आप बीएड करने के बाद किसी भी प्राइवेट इंस्टीट्यूट में आप इजीली पढ़ा सकते हो, उसमें भी आपकी हाईएस्ट सैलरी बहुत ज़्यादा होती है। गवर्नमेंट जॉब में तो आप पूछो ही मत ना, उसमें तो बहुत ही ज़्यादा सैलरी होती है गवर्नमेंट जॉब में, टीचिंग लाइन में। आपको क्या करना है, आपको बीएड करके आपको टीचिंग फॉर्म निकलते हैं उनको भरना है और उनको क्वालिफाई करना है, आप टीचिंग लाइन में जा सकते हैं। ये तो रही आपकी टीचिंग लाइन की। आप अभी से बीकॉम के साथ आप कर रहे हैं तो आप किसी प्राइवेट स्कूल में पढ़ा सकते हैं, या किसी भी मतलब प्राइवेट स्कूल में आप एक टीचर बन के आप खुद का अर्न कर सकते हैं। बात करें दूसरी की जॉब के बारे में, तो दूसरी जॉब है वो है बैंक। तो बैंक में आपकी 2 टाइप्स की जॉब होती है, एक तो प्राइवेट बैंक होती है, एक आपकी होती है गवर्नमेंट बैंक। तो प्राइवेट बैंक में क्या होता है कि आपके कुछ एग्जाम्स होते हैं, या मतलब किसी के बेसिकली आप छोटे मोटे एग्जाम होते हैं बैंक, प्राइवेट बैंक में आप इजीली लग जाते हैं। लेकिन अगर हम गवर्नमेंट बैंक की बात करें, तो इसमें आपका क्या होता है कि गवर्नमेंट कुछ आपको कुछ भर्तियां निकालती है गवर्नमेंट बैंक के लिए, तो आप उन एग्जाम को क्वालिफाई करके आप बैंकिंग जॉब में काम कर सकते हैं। बेसिकली आप प्राइवेट जॉब में आप बीकॉम के साथ साथ प्राइवेट बैंक में भी काम कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको गवर्नमेंट बैंक में काम करना है तो आपको क्या करना होगा कि आपको अभी से अपनी एक लिस्ट बनानी कि बैंकिंग लाइन में कौन कौन से एग्जाम होते हैं, उनको क्लियर करके आप बैंकिंग गवर्नमेंट बैंक में जा सकते हैं। अगर आपको उस पर भी वीडियो चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं कि बैंकिंग गवर्नमेंट बैंक के एग्जाम के लिए कौन कौन से एग्जाम होते हैं, कब उनके फॉर्म निकलते हैं, कब उनको अप्लाई होता है, कब उनका एग्जाम होता है, मैं उस पर भी एक वीडियो बना दूंगा। बात करें अगर हम तीसरे जॉब अपॉर्चुनिटी के बारे में, तो वह है वो कैरियर एज ए लॉयर। तो दोस्तों, लॉयर मतलब जो वकील होते हैं लॉयर, वो कई टाइप के होते हैं, लेकिन आप बीकॉम की बात करोगे तो आप टैक्स लॉयर बढ़िया हो गए, क्योंकि टैक्स लॉयर से क्या होता है कि आप अपना भी कर सकते हैं, किसी कंपनी में भी जाके आप अच्छी खासी सैलरी अर्न कर सकते हैं। टैक्स लॉयर में क्या होता है कि आप बीकॉम के बाद LLB कर सकते हैं, या कोई एक डिप्लोमा कर सकते हैं बीकॉम के बाद। इसमें क्या होता है कि आप टैक्स लॉयर बन जाते हैं अगर आप बीकॉम के बाद LLB कर लेते हैं, अपना भी कुछ अपना भी कर सकते हैं लॉयर के साथ, लेकिन इसमें टैक्स लॉयर में होता है कि आप कंपनी के लिए काम करते हैं, कंपनी आपको उसके लिए सैलरी देती है, छोटे मोटे अमाउंट में आप जितने अच्छे लॉयर टैक्स लॉयर हो आपको उतनी ज़्यादा सैलरी मिलेगी। ये तो रही, तो आप बीकॉम के साथ LLB करना है, डिप्लोमा कर सकते हैं, इसके बाद आप टैक्स लॉयर बन सकते हैं। ये तो रही आपकी एक लॉयर के थ्रू। बात करें 4th जॉब के बारे में, तो डियर फ्रेंड्स, 4th जॉब है आपकी ऑफिस सुपरिटेंडेंट। इसमें क्या होता है कि जैसे प्राइवेट स्कूल हो गए, स्टाफ मैनेजमेंट हो गई कंपनी हो गई, इसमें क्या होता है कि इसके लिए आपको एक थ्रू मतलब हायर किया जाता है। इसमें आपको प्राइवेट स्कूल में
मैनेजमेंट संभालना होता है, स्टाफ मैने ऑफिस में किसी में मैनेजमेंट संभालना, कंपनी में जाके मैनेजमेंट संभालना होता है। इसमें क्या होता है कि आप बीकॉम के बाद एक डिप्लोमा करना होता है, उसके थ्रू आप इस इंडस्ट्री में आप काम कर सकते हो। इसमें भी अच्छी खासी सैलरी होती है, आपको सब मैनेजमेंट करना होता है। ये तो नहीं ऑफिस सुपरिंटेंडेंट के बारे में, इसमें आपको बीकॉम का डिप्लोमा करके आप लग सकते हैं। अब बात करते हैं हम फिफ्थ जॉब के बारे में। तो दोस्तों फिफ्थ जॉब है आपकी डिजिटल मार्केटिंग। अब आप बीकॉम पढ़ चुके हैं, बीकॉम कर रहे हैं, ये दोनों के लिए बेस्ट है क्योंकि आप बीकॉम के साथ साथ डिजिटल मार्केटिंग कर सकते हैं। बहुत से स्टूडेंट हैं जो डिजिटल मार्केटिंग करके अपना अच्छा खासा अर्न कर रहे हैं। एंड इसमें आप क्या डिजिटल मार्केटिंग कैसे कर सकते हैं, तो इसमें डिजिटल मार्केटिंग के लिए आपको बीकॉम के बाद एमबीए कर सकते हो या आप डिप्लोमा कर सकते हो। एमबीए डिप्लोमा करके आप फिर अगर खुद से करना चाहते हो तो आप फ्रीलांसिंग में काम कर सकते हो। अगर आप किसी अदर कंपनी में करना चाहते हो तो आप सोशल मार्केटिंग इज द बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग होता है। इसमें क्या होता है कि आप कंपनी के लिए काम करते हो डिजिटल मार्केटिंग, इसमें बहुत सारी मतलब सैलरी होती है। आप किसी में भी डिजिटल मार्केटिंग में तो आज की डेट में इतना है कि आप जितना अच्छा काम करोगे उतनी ज़्यादा आपको अर्न होता है, क्योंकि डिजिटल मार्केटिंग जिस तरह से हमारी जनरेशन मतलब देश बढ़ता जा रहा है उसी तरह डिजिटल मार्केटिंग की जो मांग है वो भी बढ़ती जा रही है। तो डिजिटल मार्केटिंग इज द बेस्ट ऑप्शन फॉर बीकॉम स्टूडेंट्स। बात करें हम सिक्स्थ जॉब के बारे में, तो दोस्तों सिक्स्थ जॉब है हमारी ट्रू कॉलर। तो ट्रू कॉलर के लिए आप क्या कर सकते हैं, आपको इसमें आप बीकॉम के बाद भी कर सकते हैं, आप बीकॉम के साथ भी कर सकते हैं। गर्ल्स बॉयज दोनों कर सकते हैं, ये नहीं है कि आप गर्ल्स ही कर सकते हैं, बॉयज भी कर सकते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें वर्क फ्रॉम होम भी जॉब भी मिल जाती है। ट्रू कॉलर का मतलब क्या होता है कि आप कंपनी के लिए काम करते हैं, कंपनी के लिए आप कस्टमर को मतलब कस्टमर के आपको सर्विस देते हैं, तो आप एक ट्रू कॉलर बन सकते हैं। आप वर्क फ्रॉम होम भी कर सकते हैं, आप ऑफिस में भी जाके कर सकते हैं। इसमें भी आपको अच्छी खासी सैलरी मिल जाती है। आप बीकॉम के साथ भी कर सकते हैं, बीकॉम के बाद भी कर सकते हैं। इसमें ये नहीं है कि आपको कुछ मतलब हाई ग्रेजुएशन मांगी है, आप बीकॉम के साथ भी कर सकते हैं। बात करें हम CIV सेवंथ जॉब है आपकी। CIV की जो फॉर्म होती है वो सर्टिफिकेट इन इन्वेस्टमेंट बैंक होती है। इसमें क्या होता है कि आप बैंक के इन्वेस्टमेंट में काम करते हैं। एक तो ये होगी, इसमें आप जैसे कि कोई स्टॉक हो गया, आप कोई मार्केटिंग स्टॉक हो गया, आप जैसे शेयर मार्केट होती है इस तरह मार्केट होती है। मैं इसके ऊपर एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, आप उस वीडियो को वहां पर जाकर देख सकते हैं। एक इसमें ही आपको NIC में होता है। इसमें क्या होता है कि जैसे कि आपकी शेयर मार्केट होती है, ट्रेडिंग जो होती है, आप उसके लिए कंपनी में काम कर सकते हैं। उसके लिए आप बीकॉम के साथ साथ NIC में क्या होता है कि एक सर्टिफिकेट होता है, आप इसका एग्जाम क्वालिफाई करके आप NIC में जॉब कर सकते हैं। इसमें आपको 20 से आपको 35 के बीच में आपको सैलरी मिल जाती है। इसमें आपको अगर इस NIC सर्टिफिकेट को पास करके आपको एक NIC का सर्टिफिकेट मिल जाता है। और उसके बाद क्या होता है कि आप किसी ऑनलाइन मतलब प्लेटफॉर्म में जैसे कि आपका लिंकिंग हो गया, अपना ऐप है, इस पर आप NIC के लिए सर्टिफिकेट ला के आप ट्रेडिंग या शेयर मार्केट के लिए आप जॉब अप्लाई कर लोगे। उसके लिए आपको 20 से लेकर 35,000 तक आपको सैलरी मिल जाएगी। वर्क फ्रॉम होम ये जॉब होती है। इसमें क्या होता है कि आप बहुत से ट्रेडिंग या शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हैं, उनकी जो क्वेरी है वो आपको सॉल्व करनी होती है। बात करें हम 8th जॉब के बारे में, तो दोस्तों जो 8th जो जॉब है वो इंश्योरेंस कंपनी होती है। इसमें आप बेसिकली किसी भी आप इंश्योरेंस कंपनी से जाकर मिलते हो, आपको वहाँ पे इजीली हायर कर लेंगे, आप फिर इंश्योरेंस के लिए काम करोगे। ये आपको वर्क फ्रॉम होम भी होता है, ऑफिस भी होता है। इसमें क्या होता है कि IRDA एक एग्जाम होता है, उसे क्वालिफाई करके आप इसमें भी इंश्योरेंस में काम कर सकते हो। बेसिकली आप किसी भी कंपनी में जाके आप इजीली इंश्योरेंस कंपनी में काम कर सकते हो। इसमें भी अच्छी खासी अर्निंग होती है। आप इसे लड़का हो या लड़की दोनों ही कर सकते हैं, ये नहीं है क्या इसमें खाली लड़की लड़की कर सकते हैं, दोनों ही कर सकते हैं इसको। ये इसमें भी अच्छा खासी सैलरी मिल जाती है इंश्योरेंस सर्विस में। बीकॉम के साथ भी कर सकते हैं, इसमें ये नहीं है कि बीकॉम के बाद ही करना होता है आपको। अब बात करते हैं 9th जॉब के बारे में। तो 9th जो जॉब है आपकी ग्राफिक डिजाइन है। तो ग्राफिक डिजाइन में क्या होता है कि आपको इसमें फ्रीलांसिंग हो गया एंड सेल्फ, इसमें खुद भी के काम कर सकते हैं। इसमें आपको मैं सेपरेट एक वीडियो बनाऊंगा, आप वहां जाके इसके देख सकते हैं। इसमें अभी आपको अच्छी खासी अर्निंग करने को मिल जाती है। इसमें आपको 25 से लेके 1,00,000 तक की आपको सैलरी मिल जाती है। वो आपके ऊपर डिपेंड होता है कि आप कितना अच्छा कार्य करते हैं। तो दोस्तों अब बात करते हैं 10 की। ये तो आज की बेस्ट जॉब है। आप अगर बीकॉम कर रहे हैं तो आपको किस चीज़ में टैलेंट है, जिस चीज़ में भी टैलेंट है, आप यूट्यूब पे, आप जैसे आपको टीचिंग में शौक है तो आप टीचिंग भी कर सकते हैं यूट्यूब पे। एंड किसी में आप किसी में भी इंटरेस्ट है, आपको वीडियो एडिटिंग में किसी में भी इंटरेस्ट है, आप बीकॉम के साथ साथ कर सकते हैं। इसी में कोई डिग्री मान्य नहीं होती है। इसमें क्या करना होता है कि एक आपको यूट्यूब पे अपना चैनल क्रिएट करना होता है, उसके बाद आपको
उसको मोनेटाइज करना होता है। उसके बाद आप जितना अच्छी खासी वीडियो बनाओगे, जितने का अच्छे से आप व्यूज आएंगे आपकी वीडियोज पे, उतना ही आपके अर्निंग होगी। बीकॉम के साथ भी कर सकते हैं, बीकॉम की बात है, लेकिन आप बीकॉम कर रहे हैं तो आप एक स्टूडेंट है, तो आप अभी से स्टार्ट कर दें, आगे जाके इसमें आपको बहुत ही ज़्यादा ग्रोथ करने को मिलेगा। एंड बहुत से जो यूट्यूबर होते हैं वो कहते हैं कि प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर, यही एक मतलब होता है कि वीडियो को सब्सक्राइब करने से, कि उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। तो अभी तक आप लोगों ने हमारे इस यूट्यूब चैनल पवन ज्ञान अकेडमी को सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल एंड कमेंट आल्सो कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, और भी मैं ऐसे अच्छी खासी एजुकेटेड वीडियो बनाता रहूंगा। एंड हाँ, लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, आज की वीडियो में बस इतना ही था।